बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आज बात करेंगे सर्वो मोटर के हवाले से। मेरे पास एक छोटी सी सर्वो मोटर है, अगर छोटी सर्वो मोटर हो या इससे बड़ी टॉर्क की सर्वो मोटर हो, कोई भी सर्वो मोटर, उसको हैंडल करने का तरीका बिल्कुल सेम एक ही जैसा होता है। अभी मैं सिर्फ एक जो सर्वो मोटर है उसको कनेक्ट करना आपको बता रहा हूँ ईजी वे में। उसके बाद मल्टीपल जो सर्वो हैं वो किस तरीके से कनेक्ट होंगी वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को देख लेंगे। हमारे पास ये छोटी सी सर्वो मशीन है, ठीक है, और ये मोटर जो है हमने इसको किस तरीके से कनेक्ट करना है। इसमें आपको सर्वो के अंदर आपको थ्री वायर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। एक होता है येलो, फिर उसके बाद जो सेंटर वाला है वो रेड है, और आखिर वाला जो है वो ब्राउन कलर का होगा। तो जब आपको ये सर्वो मोटर मिले, आप जब लेकर आएँ तो उसको किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, आपने इसको करना ये कि इसमें रेड वाला ये इसके आर्डिनो के VCC में जाएगा, ठीक है, और ब्राउन वाला जाएगा ग्राउंड में। अगेन बोल रहा हूँ, दोबारा गौर से सुनिएगा, जो इसमें सेंटर वाला जो रेड वायर है वो जाएगा VCC आर्डिनो में, और जो ब्राउन वाला वायर है वो आर्डिनो के किसी भी ग्राउंड में, इधर भी एक ग्राउंड है और इधर दो ग्राउंड है, तो आप किसी भी ग्राउंड से जाके इसको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको येलो साइन मिलेगा, येलो केबल मिलेगा। वो येलो केबल क्या है? वो है आपका बेसिकली ये, इस जगह से आप सिग्नल देंगे कि आपकी जो सर्वो है वो कितने एंगल पर मूव करेगी। आपकी जो सर्वो मूव करती है ये 0 से लेके 180 डिग्री के ऊपर मूव कर रही होती है, तो आप अपने हिसाब से इसको मूव करवा सकते हैं कि किस एंगल पे जाके ये मूव करें। इससे ज़्यादा मूव नहीं होती है। अगर आप इसको मूव करेंगे तो फिर इसको अंदर से आपने इसको जो इसमें हुक लगा होगा उसको तोड़ेंगे तो ही फिर वो 360 के ऊपर मूव करेगी, वरना ये जो मूव करेगी ये 0 से लेके 180 डिग्री पे ही मूव करती है। इसके अलावा जो स्टेपर मोटर है वो 360 के ऊपर काम कर सकती है। स्टेपर मोटर का भी ट्यूटोरियल मैं रेडी कर दूंगा थोड़े दिनों में। तो ये हमने इसको आज एक्सेस करना है कि सर्वो मोटर किस तरीके से हैंडल होगी, और जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें मैं आपको फॉर लूप भी बताऊंगा कि फॉर लूप किस तरीके से वर्क करेगा सर्वो मोटर के ऊपर, मतलब हम कितना आसानी से फॉर लूप के ज़रिए अपनी सर्वो मोटर को मूव करवा सकते हैं। तो जो मोटी मोटी बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तीन वायर होते हैं, रेड वाला जाएगा VCC में, ब्राउन वाला जाएगा ग्राउंड में, और इसमें जो येलो वाला जो केबल है वो किसी भी यहाँ पर आर्डिनो की पिन से, जो डिजिटल पिन है यहाँ पर आपको 0 से लेके जो 13 तक डिजिटल पिन मिलनी है उसमें से सिर्फ और सिर्फ आप उसके ऊपर पिन लगाएंगे, और से मेरी बात सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ उस पर लगाएंगे जो PWM में पल्स विद मॉड्यूलेटर, जिस पिन के ऊपर टिल साइन होगा यहाँ पर आपको नजर आएगा 0, 1, 2, 2 के बाद जो 3 जो पिन है 3 के ऊपर टिल साइन है, ठीक है ना, जो टिल साइन है जो आपको मिलेगा 3 पे 5 पे 6 पे 9 पे 10 पे 11 पे, आप इनमें से किसी एक पे लगा सकते हैं, या 3 पे लगा सकते हैं, या 5 पे, या 6 पर, या 9 पे, या 10 पे, या 11 पे, बाकी पर आपको फिर आउटपुट सही नहीं मिलेगा। तो आपने इसको इस तरीके से कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद जो कोड किस तरीके से होगा वो मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ। IDE ओपन हो गई, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास ये हमने इसको सिलेक्ट करना होगा लाजमी, जब भी आप अगर सिलेक्शन ना हो, असल में मैंने दूसरा आर्डिनो लगाया था तो उस वजह से सिलेक्शन इसकी गायब हुई थी, वरना बाय डिफॉल्ट ही लिखा लगा हुआ था अगर आप इसको अटैच करेंगे, और फर्स्ट टाइम होता है तो आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्ट हुआ हुआ फॉर्म, वरना प्रोग्राम राइट नहीं होगा, और इसके सबूत ये होगा कि अगर आपको इस तरीके से सीरियल नंबर मिल जाए तो इसका मतलब ये कि परफेक्ट कनेक्टिविटी आर्डिनो के साथ आपके IDE की हो चुकी है, ठीक है। हम प्रोग्राम को पढ़ाएंगे, हमने क्या करना होगा, स्केच में जाएंगे, इंक्लूड लाइब्रेरी करेंगे, आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मुझे तो याद है मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, मगर आप लोग अभी बिगिनर्स हो तो आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, इंक्लूड लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ से आप सर्वो के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब सर्वो के ऊपर क्लिक करेंगे ये इंक्लूड हो जाएगी servo.h फाइल, यहाँ पर बस कुछ भी नहीं करना, आपने सेटअप से ऊपर एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेना ताकि आपका सेटअप के अंदर जो है वो वेरिएबल कॉल हो सके और लूप के अंदर भी वो सेम वेरिएबल कॉल हो सके। तो servo सर्वो नाम का एक क्लास है, उसके ऊपर हमने एक वेरिएबल बनाना है m1 के नाम से। m1 को हम अटैच करेंगे किसके साथ, m1.attach का फंक्शन कॉल होगा, जिस तरीके से हमने जो है पिन मोड ओपन किया था लास्ट क्लास में, इसी तरीके से अटैच में हमने यहाँ पर जो अपनी सर्वो लगाई हुई है वो लगाई हुई है 6 के ऊपर, तो हम इसको बताएंगे कि हमारी जो डिजिटल पिन है वो 6 के साथ अटैच है, ठीक है भाई, हमने कहा सही है। अब ये है, अब यहाँ पर हम कहते हैं कि M1 यानी कि ये जो मोटर हमारी है M1.write करो, ठीक है, यानी कि जो हमारी पिन 6 है इसके ऊपर हम फेंकेंगे कितने वॉट, हम यहाँ पर बोल देंगे फॉर एग्जांपल 0। अब वो अपने हिसाब से वॉट को मैनेज करेगा, तो ये क्या होगा, हमारी जो सर्वो है वो 0 के ऊपर जाके एंगल सेट कर लेगी, और यहाँ पर क्या होगा कि हम कहते हैं कि डिले कर लो, डिले कर ले 500 मिली सेकेंड का। उसके बाद फिर कहते हैं हम M1.write कितना 90, तो हमारी जो सर्वो है वो 90 के एंगल के ऊपर चली जाएगी, डिले किया हमने फिर 500 मिली सेकेंड का,
और फिर हम कहते हैं एम वन डॉट राइट 180, फिर हम कहते हैं डिले 500 मिली सेकेंड। तो ये हमारा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, बल्कि लूप का फंक्शन के अंदर हमने लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये काम बार बार होता रहेगा। सबसे पहले क्या होगा, हमारी जो सर्वो मोटर है वो सेट होगी किसके ऊपर, वो सेट होगी जीरो के ऊपर, एंगल जीरो होगा, फिर डिले आएगा 500 मिली सेकेंड का, फिर 90 के ऊपर ये सर्वो जाएगी, और उसके बाद फिर 500 का डिले आएगा, और फिर 180 के ऊपर सेट होगी, फिर 500 डिले आएगा, फिर ये दोबारा से ही शुरू हो जाएगा, फिर जीरो पे आ जाएगी। तो हम इसको चेक कर लेते हैं हमारा कोड सही लिखा है नहीं लिखा, हम इसको वेरीफाई करेंगे अपने कोड को, वेरीफाई करने के बाद फिर हम इसको अपलोड कर देंगे अपने आर्डिनो कंट्रोलर के ऊपर। सक्सेसफुली हो गया हमारे पर, अब हम इसको यहाँ पर रन कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देखिएगा जब यहाँ पर अपलोड होएगा तो ये वर्किंग करनी शुरू हो जाएगी। मेरे ख्याल से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आप डिले कम ज़्यादा करेंगे तो अपने हिसाब से वो स्लो चलना शुरू हो जाएगी, अगर कम करेंगे तो अपने हिसाब से ये तेज़ चलेगी, ठीक है। मैं इसको 300 मिली सेकेंड कह देता हूँ, 200 कह देता हूँ, 1 को 200, 1 को 300, अपने हिसाब से फिर वो तेज़ चलेगी। इतनी तेज चल रही है कि वो हमें पता नहीं चला, 200 मिली सेकेंड बहुत कम होता है, 1 सेकेंड का जो 20वां हिस्सा है उसके अंदर पर ये वर्क कर रही होगी, ठीक है। ये हमने इस तरीके से कर दिया है, अब हम इसको मेरे ख्याल से कोड समझ में आ गया, कम अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में बता देगा, मुझे मैसेज कर देगा कि आपको समझ में नहीं आया, तो मैं अगेन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत सिंपल सा कोड है, आप देख लें यहाँ पर सर्वो इंक्लूड किया हमने और वेरिएबल बनाया एम वन का, उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पर जो अटैच किया है 6 को, और 6 को अटैच के मतलब जो हमारी पिन है, जो मैंने अभी जो केबल निकाला है वो 6 पिन से अटैच है, ठीक है ना। तो जब ये 6 के ऊपर ये अटैच होगी तो ये वर्क करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये 6 के पास ये अटैच हो गई, ठीक है, ये अटैच से हटा दिया तो ये ख़त्म। ओके, तो ये हमने बताया कि 6 के साथ अटैच है, उसके बाद हमने कहा कि एम वन डॉट राइट 0 और डिले 300 मिली सेकेंड का, फिर 90, 300 और 180, फिर 200। मतलब आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, कम ज़्यादा चीज़ों को कर सकते हैं, हम अभी और ज़्यादा वर्किंग करेंगे तो और क्लियर होगा। अब हम फॉर के लूप के ऊपर बात कर लेते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि लूप के ऊपर वर्किंग कैसे होगी। जिस तरह के आम सी लैंग्वेज के ऊपर हम लूप लूप लगाते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी लूप लगा सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं कहता हूँ int a इज इक्वल टू 90, ठीक है, और यहाँ पर मैं कहता हूँ a, तो मुझे बताएं कि कोई फ़र्क पड़ा इसमें, नहीं पड़ा, क्योंकि a मेमोरी के अंदर जो आपका आर्डिनो है इसकी मेमोरी के अंदर जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, ए उसका नाम होगा, और उसके जो डेटा टाइप होगी वो int होगी। int मतलब कि उसके अंदर हम नंबर को स्टोर कर सकते हैं, आगे हम स्ट्रिंग को भी पढ़ेंगे लेकिन अभी हम सिर्फ int के ऊपर बात करेंगे। तो ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ मेमोरी के अंदर, उसके अंदर वैल्यू जाकर स्टोर हो गई 90। हमने कहा राइट करो, अब यहाँ पर हार्ड कोड हमने 90 नहीं लिखा हुआ, बल्कि हमने क्या लिखा, ए लिख दिया, यानी कि ए की वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो सेम एक ही बात होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो हम इसको अब लूप के अंदर किस तरीके से लिखेंगे। लूप हम लगाते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं फॉर int i, देखा आपको जो फॉर का लूप होता है ना, वो 3 फेजेस के ऊपर चल रहा होता है हमेशा, किसी भी लैंग्वेज में, सी हो या जावा हो, ठीक है, और पाइथन का फॉर का लूप थोड़ा अलग होता है, तो उसको हम ध्यान देते हैं। तो सी या जावा के अंदर जब आप फॉर का लूप यूज़ करते हैं तो आपको ये 3 फेजेस मिलेंगे। पहला फेज जो होता है वो असाइनमेंट फेज है, किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन होती है। इस जगह पर मैं कहता हूँ int a इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर क्या हुआ, जो काम हमने अभी ऊपर वाली लाइन में लिखा था हमने यहाँ पर असाइनमेंट फेज में यहाँ पर कर दिया है। ओके, उसके बाद हम कहते हैं a < ये रिलेशनल ऑपरेटर आया, a < 180, यानी कि a जो है हमारा कितना हो जाए 180, उस वक्त तक चले लूप जब तक से 180 से छोटा या बराबर है, ठीक है। तो आप चलता रहेगा, फिर हमने कहा a + = 10, तो a के अंदर वैल्यू इंक्रीज करो 10 की, तो ये हमारा लूप उस वक्त तक चलेगा जब तक कि ये 180 से इसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं हो जाती। हम यहाँ पे कहते हैं m1.write, अगर ये चीज़ लूप समझ में नहीं आया तो मेरे नोट जेएस में फॉर के लूप के आप ट्यूटोरियल देख लीजिएगा और वो आपको समझ में आ जाएगा फिर इसमें सही है। और यहाँ पर हम a लिखेंगे क्योंकि a की वैल्यू बढ़ ली है, 0 फिर 10 फिर 20 फिर 30, इस तरीके से वैल्यू बढ़ ली है, और डिले भी हम दे देंगे ताकि जो है वो 200 मिली सेकेंड का डिले देता हूँ।
अब हम इसको रन करेंगे प्रोग्राम को और यहाँ पर देखेंगे वहाँ पर आउटपुट क्या आता है। हमारा जाएगा कहाँ पर, किससे अटैच की, सिक्स से। देखें आप, ये पूरा लूप चल रहा है हमारा, ठीक है। ये पूरा लूप जो चल रहा है ये कितना चल रहा है, 0 से लेके 180 तक चल रहा है। थोड़ा स्लो करूंगा तो शायद आपको बेहतर समझ में आ सके। ओहो, ये हमारा वही प्रोग्राम चल रहा है क्योंकि अपलोड हुआ ही नहीं है। हमने यहाँ पर ब्रैकेट जो है ये एक ज़्यादा लगा दिया। ये हमारा फॉर के लूप की बॉडी है और ये वाला जो है लूप जो हमारा फंक्शन है उसकी बॉडी है, ठीक है। ये मैंने ज़्यादा लगा दिया था, बस ये एरर आ रहा है। ये 10-10 के स्टेप से आगे बढ़ रहा है। तो यहां पर ये हमने काम तो कर लिया, लेकिन देखें एकदम से ये इसमें हो क्या रहा है कि हो ये रहा है कि एकदम से जब 180 होता है फिर दोबारा से 0 पे चला जाता है ना। तो आप इसको रिवर्स में भी करने की कोशिश है, क्योंकि अगर आप कोई प्रोजेक्ट ऐसा बनाते हो, बैरियर वगैरह कोई अप एंड डाउन करने का प्रोजेक्ट है, तो अगर कोई एकदम से अप होता है बैरियर और फिर उसको आप डाउन करेंगे एकदम 0 पे लाकर, तो वो एकदम किसी के सर पे भी आके लग सकते हैं। तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता ही डाउन किया करेगा जब आप बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो। तो हम इसको देखेंगे रिवर्स में कैसे चलाएंगे। मैं इसी चीज़ को देखें यहाँ पर कंट्रोल एस किया हुआ मैंने, इसको मैं इसको कॉपी पे पेस्ट कर लेता हूँ, इसे निकाल देता हूँ, ठीक है। यही लूप है हमारा। अब हमने कहा कि कहाँ से कहाँ तक चलो, 180 से चलो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक, और ए की वैल्यू कितनी हो जाए माइनस इज इक्वल टू, यानी कि 10 की वैल्यू इसकी डिक्रीज होती रहे। तो हम इसको रन कर लेते हैं, अब देखें जरा इसका आउटपुट क्या आता है। वन एटी हुआ, अब देखें वैसे ही रिवर्स हुआ, एकदम 0 पे आके नहीं हुआ। तो ये थी हमारी आज की क्लास, उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन और ज़्यादा कर दूंगा।